रुद्रपुर दौरे के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरस मेले के उद्घाटन के बाद जगतगुरु शंकराचार्य से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का किया उद्घाटन। स्टेडियम में तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस समेत अन्य खेलों का किया जाएगा आयोजन। खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की अटकलों को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया खारिज। कहा, हरक सिंह रावत प्रदेश के कद्दावर नेता और मंत्री हैं और सरकार और पार्टी के लिए लगातार उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने विजय शंखनाद पदयात्रा के दौरान कहा, 2022 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा, कांग्रेस आपसी लड़ाई में व्यस्त। बीजेपी के 60 बार का नारा जुमला, बोले जनता अपना मन बना चुकी है, जनता देगी अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने जसपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। आपकी सभा में उमड़ी भीड़, इमरान हुसैन ने कहा, इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प, बोले उत्तराखंड के लोग चाहते हैं बदलाव। कहा, पिछले 21 साल में कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ अपना विकास किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ऋषिकुल मैदान से हरिद्वार विधानसभा की महिला मोर्चा की रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली विजय संकल्प महारैली को लेकर महिलाओं में दिख रहा खासा उत्साह। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से हुई शिष्टाचार भेंट। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति में सरकार, पहले गैरसैंण अब देहरादून में सत्र की तैयारी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की फायरिंग से इलाके में दहशत। दबंगों ने अवैध हथियार से गली में दनादन बरसाई गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की घटना, वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के कोडली गांव का मामला। जौनपुर के धान क्रय केंद्र के प्रभारी ने एक किसान को सरेआम थप्पड़ मारने की दी धमकी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के किसान आहत। धान क्रय केंद्र बरसठी प्रभारी का बताया जा रहा वीडियो। कौशाम्बी में अश्लील हरकत करते पकड़े जाने पर प्रेमी युगल की पिटाई। जिला अस्पताल के बाथरूम में कर रहे थे अश्लील हरकतें, एक युवती ने युवक की चप्पलों से की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माफी मांगने पर सुरक्षाकर्मी और तीमारदारों ने छोड़ा। मंझनपुर मुख्यालय के जिला अस्पताल का मामला। जौनपुर में बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। वाहन ओवरटेक करने को लेकर कार सवार ने ट्रक के खलासी को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरद गांव के मेन रोड की घटना।